हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका मई महीना कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। एंड थोड़ा सा लेट आ रहा है रीडिंग प्रेडिक्शन, मुझे पता है, इस चीज़ के लिए वेरी सॉरी। एंड ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो मई महीने में मुझे दिख रही है आपके कुछ छोटे छोटे कोशिश ना, बहुत अच्छे से रंग लाने वाला है। मतलब आप कुछ छोटे छोटे कामों में जस्ट आराम से एफर्ट दोगे एंड वहाँ से बहुत फ्रूटफुल तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली इस वजह से आप अपने मन में बहुत ज़्यादा शांति को अनुभव कर पाओगे। ओके, आपके चेहरे पर एक हंसी रहेगा मई महीने में, खुशी रहेगा, दिख रही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। वाओ, देखो यहाँ से मुझे दिख रही हैं कि आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं मई महीने में। आपके कुछ बातों को, कुछ एक्शन को वो लोग बहुत रेस्पेक्टफुली या फिर आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने वाले हैं। कि उन लोगों को ऐसा लगने वाला है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी करने वाले हो, डेफिनेटली वो सही होगा। इतना ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर आते हुए दिख रहे हैं आपके फैमिली वालों को। कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली का ना हीरो या फिर हीरोइन बनते हुए दिख रहे हो। मतलब कि सभी लोग आपके ऊपर डिपेंड करके बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके ऊपर सब कुछ छोड़कर, जिम्मेदारी छोड़कर बहुत ज़्यादा एक रिलीफ महसूस करने वाले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी आपके पास भरपूर आती हुई दिख रही है। कुछ काम के लिए अगर आपको परमिशन नहीं मिल रहा था तो इस चीज़ का पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यस, मई महीने में आपको परमिशन भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू मुझे दिख रही हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है गाइस, तो जिसकी वजह से दिख रहा है कि अगर आप मई महीने में कहीं पर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाले हो तो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा मई महीने को जस्ट पास होने दे। मतलब कि आप नेक्स्ट मंथ में भी कर सकते हो, बट अगर आप मई महीने में करते हो तो वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी साथ लगने की चांसेस दिख रही हैं मुझे। ओके, अगर आप कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए तो यहाँ पर येस दिख रही हैं, अच्छी खासी एक पॉसिबिलिटी बन रही है, बट कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप मई महीने में ना करें तो ही बेहतर रहेगा। एंड यहाँ पर है द मजिशियन। फाइन, आपकी मम्मी जी के साथ आपका रिलेशन कहीं ना कहीं न्यू तरीके से थोड़ा सा नया मूड लेकर ना बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आप मजिशियन के एनर्जी में रहोगे ये तो दिख ही रही हैं। आपके हाथ में एक छड़ी रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा भरोसा लोग आपके ऊपर करना स्टार्ट कर देंगे। आपके सराउंडिंग्स के पीपल भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि आपके पावर के ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे। आपको एक लीडर मानते हुए दिख रहे हैं, आपके पैथ को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं लोग। ओके, एंड द मजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप मई महीने में बहुत कुछ अपने कंट्रोल में रखने वाले हो, बहुत कुछ कंट्रोल करने वाले हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, सक्सेस का कार्ड है ये, विक्ट्री का कार्ड है ये, जीत का कार्ड है ये। तो आपका अगर कोई बहुत बड़ा गोल है, आपका अगर बहुत बड़ा कोई टारगेट है, अगर आपने किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए कुछ प्लान कर रहे हो अभी, तो यस, उस चीज़ की ओर ना एक कदम आप और जाते हुए दिख रहे हो। आपके मुकुट पर एक और पंख ऐड होता हुआ दिख रहा है। फाइन, सो अगर आपको कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लगता था आपके लाइफ में कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते हो, तो आपको ये चीज़ विश्वास हो जाएगा मई महीने में कि आप कर सकते हो, ये चीज़ आपको मिल सकता है। इतना होप, इतना ट्रस्ट आपके अंदर मुझे आती हुई दिख रही है। सो कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके दौरान ये जो पावर है इसको आप अनुभव कर पाओगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर द मून की एनर्जी है। देखो मई महीने में आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा गहरी तरीके से सोच सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, आपको डराना चाहते हैं, आपको पीछे खींचना चाहते हैं। फाइन, जो लोग छुपे हुए हैं आपके सामने आकर वो लोग अपने फितरत को ना शो नहीं कर रहे हैं। आपके सामने हो सकते हैं अच्छे बनकर खड़े हुए हैं, बट
पीठ पीछे ही आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आपको बचना है। एंड इस वजह से ही आप थोड़ा सा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो मई महीने में, थोड़ा सा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, पता लगने वाला है कि कौन आपके लिए सही है या फिर कौन आपके लिए गलत है। तो जिस वजह से आप थोड़ा सा ना दिल को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, खुद को कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, तो लॉसेस होने का एक डर तो आपको रहेगा ही। बाकी देख लेते हैं एक्चुअल में कि होगा कि नहीं लॉसेस। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पर दिख रही है मुझे कि अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या फिर किसी की तरफ से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, किसी की तरफ से प्रपोजल ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, तो यस आपको ये चीज़ मिल सकता है। इस चीज़ का पॉसिबिलिटी तो है, अगर आप किसी को देना चाहते हो तो इस चीज़ का पॉसिबिलिटी तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप तो यहाँ पर किंग की एनर्जी में बैठे हुए हो मई महीने में। सो आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर तो बहुत ज़्यादा दिख रही है शादी से रिलेटेड मामलों में, लव लाइफ से रिलेटेड मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में। तो आप जिनको भी पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो उनके साथ आपका लव लाइफ जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होती हुई दिख रही है मुझे। मामला अभी जो भी है, अगर बिगड़ा हुआ भी है तो वो सुधरने वाला है, आप ठीक कर सकते हो, वो ठीक कर सकते हैं, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट डाल के आप दोनों सही कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है द फूल की एनर्जी। ओके देखो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप मैक्सिमम चीज़ें मई महीने में डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने वाले हो। आपके लाइफ के जितने भी टेंशन्स हैं, जितने भी हेडेक हैं, आप सब कुछ छोड़ के ना जस्ट खुद में जीने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, एक अच्छे टाइम के लिए, गोल्डन टाइम के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप अपने नेक्स्ट कदम को रखोगे, नेक्स्ट एक्शन को रखोगे। तो आप मई महीने में कहीं पर एडवेंचर के लिए निकल सकते हो, निकलने की कोशिश कर सकते हो। एंड ऐसे में आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि रास्ता आप जब चल रहे हो या फिर ड्राइविंग कर रहे हो, रास्ता क्रॉस कर रहे हो, उतर रहे हो किसी जगह से, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना ही पड़ेगा। अगर आप माइंड को इधर उधर घुमाते रहोगे, दूसरी बातों को लेकर टेंशन लेते रहोगे, अगर आप जो कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दो तो थोड़ा सा फिसल सकते हो। फाइन, तो ये चीज़ दिख रही है आपको, किसी भी तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है। आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाओ, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। एंड यहाँ पर एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली घूमने का योग बनती हुई दिख रही है। अगर आपको विदेश जाने का इच्छा था एंड आपको इनफ रिसोर्सेस नहीं मिल रहा था, परमिशन नहीं मिल रहा था, कुछ पेपर वर्क में आप अटक गए थे, तो ऐसे काम ना स्मूथली बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये बताता है कि ट्रेवल से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आने वाला है मई महीने में। आपको कहीं पर जाना पड़ सकता है, वो चाहे विदेश हो या फिर देश में किसी जगह हो, या फिर घर से दूर कहीं पर हो, वो चाहे किसी भी काम के लिए हो, मतलब कि पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, नो मैटर, घूमने के लिए भी हो सकता है। तो आपका जो भी रुका हुआ चीज़ था ट्रैवल से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिख रही हैं अचानक से, फटाक से। नेक्स्ट यहाँ पर ओ वाओ द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गुडनेस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। मैंने आपको बताया ना कि आपका इनकम अच्छा होगा कि नहीं, मैं बाद में बताती हूँ। तो देखो इनकम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। जो लोग अपनी नौकरी को छोड़कर कोई दूसरे नौकरी को ढूंढ रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रही है कि नया नौकरी मिल सकता है। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको नया जॉब मिल सकता है, यस। एंड अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस, नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, आप कोई नया बिजनेस ओपन भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका भाग्य का पहिया जस्ट घूमने वाला है करियर के साइड से। यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, ऑफर अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। सो अगर आप स्टूडेंट भी हो तो कहीं ना कहीं आपके मन के, दिल के कुछ विशेस पूरे होते हुए दिख रहे हैं, एंड जिसके दौरान आपका भाग्य जस्ट चेंज होता हुआ आपको अनुभव होगा, आपको दिखाई देगा। इनकम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इनकम का सोर्स आपको बहुत तगड़ी तरीके से मिलने वाला है। एंड यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेविंग्स भी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। आप जितना अमाउंट ऑफ मनी सेव करना चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप जिस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, वो काम भी कहीं ना कहीं मई मंथ के एंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे तो यस, आप खरीद सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको कुछ चीज़ें गिफ्ट करे, आपको सरप्राइज़ मिले, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि यस आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये जो आदमी है ये पेंटिकल्स को कितना कस के पकड़ा हुआ है कि ये चीज़ इसका है,
ये इस चीज़ को किसी को नहीं देगा, तो डेफिनेटली ये इनसिक्योरिटी इनके अंदर है कि ये कोई इंसान आकर छीन ले सकता है। तो डिवाइन आपके साथ है, आपको बताना चाहते हैं डिवाइन कि आपसे आपकी चीज़ें कोई नहीं छीनने वाला है, आप सेफ हो। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, ओह वाओ, देखो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि अगर आप कोई लीगल मैटर में फंसे हुए थे तो उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो, क्योंकि कोई एक इंसान आपको हेल्प करने वाला है, कोई एक इंसान दिल से आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, आपको बचाने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी मामले में हो, किसी भी सिचुएशन में हो। अगर आप मई महीने में किसी बुरे सिचुएशन को फेस करते हो तो आप अकेला नहीं हो, कोई एक इंसान डेफिनेटली होगा वहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए, आपको सिचुएशन से बाहर ले आने के लिए। एंड अगर आप किसी की तरफ से ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, तो वो मिलने की चांसेस भी दिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड आपकी लाइफ में अगर ब्रेकअप वाला, डाइवोर्स वाला कोई सिचुएशन चल रहा था, सेपरेशन में हो, तो ये मामला कुछ हद तक संभालने की चांसेस दिख रही हैं। मतलब कि हो सकता है ये आपके एफर्ट की वजह से सुधरे या फिर उनके एफर्ट की वजह से, बट सुधरती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पर नाइन ऑफ एरियल आया है आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मई महीने के लिए। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड डेफिनेटली। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। आई लव फॉर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ, वाओ। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत एकदम से नहीं है। मई महीने में सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो, एंड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, एंड जो आप कर रहे हो, मतलब कि आप चल रहे हो, खा रहे हो, गा रहे हो, डांस कर रहे हो, जो कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाओ, बस वही आपके लिए काफ़ी होगा। ओके, सो थैंक यू टॉर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।